हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे हम क्या बनाने वाले हैं। आज बनाने वाले हैं हम जब हम आईटीआई में जाते हैं फर्स्ट टाइम या सीआईटी में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो जो हमारी पहली प्रैक्टिकल होती है वो क्या होती है वो बताऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो जाना चाहते हैं वीडियो क्लास तक देखते रहिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो सिंपल से आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको वैलिड रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दूँ आपको क्या क्या चाहिए होगा। एक ब्लैक पेन चाहिए और एक आपको ब्लू पेन चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपनी हो उससे कोई लेने देने नहीं है। अब आपको चाहिए एक पेंसिल, ठीक है, कोई भी पेंसिल हो, और आपको चाहिए एक इरेजर, ठीक है, नया हो पुराना हो कोई दिक्कत नहीं, और चाहिए आपको एक दो से एक स्केल चाहिए होगा। सेट स्क्वायर है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें टेबल बनाना पड़ेगा और मशीन भी बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ब्लैक पेन से आपने लिखना है जो भी हमारा एम है दोस्तों। वो पेज है एक ब्लैंक और एक ये वाला पेज है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर कोने पर यहाँ लिखना है आपको डेट ऑफ स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ लिखना है आपको डेट ऑफ क्लोज। ठीक है दोस्तों, ये आपको दो चीज़ें लिखनी है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि अपना एम लिखना है। एम हम यहाँ पे भी लिखेंगे उधर भी लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एम। ठीक है दोस्तों, एम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेटिंग, छोटे अक्षर बड़े अक्षर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लिखते हैं सेटिंग अप द आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड स्ट्राइकिंग ऑन आर्क। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने एम में जरूर लिखें, ठीक है, सेटिंग अप द आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड स्ट्राइकिंग ऑन आर्क। ठीक है, तो ये आपने एम में लिख दिया, डेट ऑफ स्टार्ट डेट ऑफ क्लोज लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें ब्लैक पेन वो है दोस्तों, ब्लैक पेन जो हमें साइड में रखना पड़ेगा। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम, स्केल चाहिए आपको और चाहिए आपको पेन। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए आपको बीच में आना है। बीच में आने के बाद यहाँ पे कहीं पे आपको एक ऐसे पॉइंट ले लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसे मैंने ये देखिए आपने यहाँ ऐसे पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद दोस्तों इसको मैं 10 mm जो है ऊपर करता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ 10 mm, ठीक है। तो एक मैंने 10 mm की छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। उसके बाद दोस्तों आपको सेट स्क्वायर लेना है, सेट स्क्वायर लेने के बाद इसको ऐसे टच करना है, ठीक है। तो 10 mm जैसे टेबल बनाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से इधर जाएगी एक लाइन, ठीक है। तो एक लाइन इधर ड्रॉ कर देना है आपको, ठीक है, और एक लाइन इधर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसी के सहारे से जरूरी नहीं कि आप 40-30 degree यहीं पर ले, जैसे आपका दोस्तों सेट स्क्वायर है वैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इससे ही ड्रॉ कर दी। और दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों जो है इसमें से 5 mm जो नीचे ले लें आप, ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं टेबल बनाना आपको। यहाँ से आप
तो दोस्तों ये जो है आपका, ये आपका बनेगा अर्थ क्लैंप, ठीक है, अर्थ क्लैंप, ठीक है। और दोस्तों ये बनेगा आपका इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर दोस्तों, नाम देना ही मेन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है दोस्तों, और ये है आपका वर्क पीस, ओके दोस्तों। और आपका ये हो जाएगा, ये आपका वेल्डिंग केबल, ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर, या आप इसको इलेक्ट्रोड लीड बोल सकते हैं इसको, तो मैं इसको लिखता हूँ इलेक्ट्रोड लीड, ओके दोस्तों। और दोस्तों ये हो गया आपका जो हमने बनाया था, ये हो गया वेल्डिंग केबल आपका, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये आपका अर्थ क्लैंप, तो मैंने बता दिया, ये इसको वर्क लीड भी बोलते हैं, इसको वर्क लीड, इसके बगैर दोस्तों इसको हटा देंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों मशीन में है ये क्या, इसको आप सीधा लिख सकते हैं पावर सोर्स, ठीक है दोस्तों। और इधर से आप एक स्विच भी बना दीजिए, ऐसे बोर्ड स्विच, ठीक है, ऐसे प्लग से बना दीजिए, तो इसको यहाँ लिख दीजिए पावर, पावर सोर्स हो गया, पावर सप्लाई लिख दीजिए यहाँ पे, पावर सप्लाई, ठीक है। अब दोस्तों कोई छूट तो नहीं गया हमारा, इसमें देख लेंगे, ये हमारा, अब देखिए इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ये हमारा वर्क पीस, ये हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर, ये हमारा इलेक्ट्रोड लीड, ये दोस्तों पावर सोर्स हमारा, और ये हमारा अर्थ क्लैंप जो गया इधर, और दोस्तों ये हमारा वर्क लीड जो है इलेक्ट्रोड लीड, और वर्क लीड ये है वेल्डिंग टेबल, ये है, ठीक है दोस्तों। तो लगभग हमारा सारा हो गया, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है पूरा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, मेन जो है हमें लिखने का, तो दोस्तों 1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रैक्टिकल यहाँ लिख दें, ब्लैक पेन से लिखना है आपको, ठीक है, तो यहाँ लिखे प्रैक्टिकल फर्स्ट, और पेज नंबर जो भी है आपका लिख सकते हैं यहाँ पे, डेट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मेरी राइटिंग ख़राब भी हो सकती है और आपसे अच्छी भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको जो है अच्छे से लिखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे दोस्तों ये कंप्लीट करना है, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिखना है आपको एम, ठीक है, एम लिखे, एम लिखने के बाद दोस्तों एक लाइन छोड़ दे यहाँ पे, और यहाँ आपको करना है ब्लैक ब्लू पेन यूज़, ठीक है। तो ब्लू पेन कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपको, आप सेटिंग अप द आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड स्ट्राइकिंग ऑन आर्क, स्ट्राइकिंग ऑन आर्क, ठीक है दोस्तों। तो मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ आपको, आपको दोस्तों समझना है तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको क्या लिखना है, फिर से ब्लैक ब्लैक पेन यूज़ करना है, यहाँ लिखना है आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में लिखेंगे आपको, फिर से जो है एक लाइन ऐसे छोड़ देनी है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो क्या क्या हम यूज़ करेंगे इसमें, तो पावर सप्लाई केबल, ठीक है, पावर सोर्स, पावर सोर्स, और दोस्तों वर्क पीस, वर्क पीस, और जो है हम लीड, याद, इलेक्ट्रोड लीड, इलेक्ट्रोड लीड, ठीक है। और दोस्तों क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर, और दोस्तों क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। और क्या यूज़ करेंगे, वर्क पीस हमारा हो गया, वेल्डिंग टेबल यूज़ करेंगे, वेल्डिंग टेबल वगैरह नहीं होगा, वेल्डिंग टेबल, और दोस्तों अर्थ क्लैंप, ठीक है। और दोस्तों जो छूट गया उसको हम ETC लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका 2 लाइन में हो गया। आगे दोस्तों लिखना है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बाद रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप रॉ एंड मटेरियल, ठीक है। तो रॉ एंड मटेरियल में लिखेंगे आप क्या, जो भी आपने यूज़ किया, MS फ्लैट 10 mm थिक एंड इलेक्ट्रोड, एंड इलेक्ट्रोड डाया 2.5 mm, ठीक है। अब दोस्तों आगे लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखिए आप दोस्तों, ये मैंने एक लाइन में लिख दिया, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रोसीजर लिखने के बाद आप लिखेंगे, पहला जो हमने काम किया वो स्विच ऑन द पावर सप्लाई, सबसे पहले हमने क्या किया, पावर सप्लाई ऑन करी, फिर दूसरे नंबर पे क्या किया हमने, स्विच ऑन द MCB, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे स्विच ऑन द MCB, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्विच ऑन द MCB ऑफ पावर सोर्स, ऑफ पावर सोर्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पावर सोर्स वेल्डिंग मशीन लिख सकते हैं, वेल्डिंग मशीन, ठीक है। अब दोस्तों लिखेंगे जॉइन द वर्क लीड, ठीक है, जॉइन द वर्क लीड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, फिर टू जॉइन द इलेक्ट्रोड लीड
टू ज्वाइन द इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल, टू ज्वाइन द वर्क लीड, या दोस्तों वर्क, ये दोस्तों अर्थ क्लैंप, वर्क लीड या अर्थ क्लैंप लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्क लीड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो आपने यूज़ किया यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट द SCCLECTD, सिलेक्टेड द इलेक्ट्रोड डायोड 2.5 mm। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे सेट सेट द वेल्डिंग करंट एंड एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर्स तो लिखेंगे मिनिमम करंट लिख देंगे 75 एम्पियर। ठीक है, और मैक्सिमम जो लिख देंगे हम 100 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे अगला जो है होल्ड द इलेक्ट्रोड। ठीक है, आगे लिखेंगे आप जो आपने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक ऑन आर्क इन वेल्डिंग ऑन द जॉब। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद दोस्तों आपका कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा वेल्डिंग जॉब। अब दोस्तों लिखेंगे हम डायमीटर जो हमने यूज़ किया इलेक्ट्रोड का डायमीटर, तो यहाँ लिख देंगे अलग से। यहाँ दोस्तों आपको जो है ये ब्लैक पेन यूज़ करना है, तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड डाया 2.5 mm। यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम करंट जितना भी आपका था 50 से 80 लिख दीजिए आप। ठीक है, 50 से 80 एम्पियर। यहाँ मैक्सिमम करंट लिखेंगे आप 100 से 200 एम्पियर। ठीक है, सुटेबल अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सुटेबल करंट, SUITA सुटेबल करंट आपका कितना था, सुटेबल करंट 90 से 120 एम्पियर लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका, अब लिखेंगे यहाँ पे फिर से हम ब्लू पेन यूज़ करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ लिखेंगे वंस वेल्डिंग इज ओवर स्विच ऑफ द पावर सोर्स। एंड दोस्तों आपका वेल्डिंग होने के बाद आप स्विच ऑफ कर दीजिए अपने पावर सोर्स को। एंड और क्या करना है आपको, मेन सप्लाई आपको बंद करनी है। ठीक है, स्विच ऑफ करना है आपको पावर सोर्स एंड मेन सप्लाई आप करना है। देन उसके बाद देन रिमूव क्या रिमूव करेंगे, द केबल एंड प्लेस इट ऑन द टेबल फ्रॉम वेयर इट वाज टेकन ईयरली। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों काम करने के बाद दोस्तों केबल वगैरह है जहाँ से आपने निकाला था वहाँ से निकाल के वहीं पर रख देने के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रोसीजर है, काम खत्म होने के बाद दोस्तों अपना काम जो है अपने चीज़ों को वहाँ पे रख दीजिए जहाँ से आपने उठाई थी। ठीक है, जो भी दोस्तों आपका हेक्सा है, ब्लेड है, अपना ट्राई स्क्वायर है, तो काम होने के बाद वहीं रख दीजिए जहाँ से आपने उठाया था, यानी जहाँ आपका लॉकर है। ठीक है, लास्ट लाइन दोस्तों आपको लिखना क्या, लास्ट लाइन लिखना है आपको इम्पैक्ट नहीं इंस्पेक्ट, यानी दोस्तों आपको निरीक्षण करना है, इम्पैक्ट द वेल्डिंग प्लेस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, यानी दोस्तों आपको 30 मिनट तक वहाँ नजर रखनी है वेल्डिंग जहाँ पे हुई है कि कोई आग वगैरह तो नहीं लग गई है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेन जो है क्या बनता है, सेफ्टी प्रिक्वेशन बनता है। ठीक है, तो सेफ्टी प्रिक्वेशन में क्या लिखेंगे आप, सेफ्टी प्रिक्वेशन में लिखेंगे आपका यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, क्या लिखेंगे, OBE PPE। ठीक है, OBE PPE क्या क्या किया, PPE में क्या है, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब दोस्तों अगली लाइन जो आपको इसमें लिखनी है, यहाँ लिखना आपको इक्विपमेंट्स के बाद जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था हमने वही किया। ठीक है, वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, कीप योर सेल्फ ए अवे फ्रॉम द फ्यूम्स। अपने आपको हमने धुएं से ही बचाया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, चेक वेल्डिंग केबल, हमने वेल्डिंग केबल को चेक किया कि उस पर कोई दरार वगैरह यानी उस पर खराब तो नहीं कर दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद वियर प्रॉपर क्लॉथिंग, और हमने वेल्डिंग करते समय प्रॉपर जो है अपनी क्लॉथिंग पहनी, यानी कपड़े पहने, जो भी आपका हैंड ग्लव्स वगैरह है वो सब पहना हमने। ठीक है, और क्या किया, यूज़ हैंड स्क्रीन वाइल वेल्डिंग। ठीक है, हमने हैंड स्क्रीन यूज़ की वेल्डिंग करते समय। ठीक है, और दोस्तों लास्ट आपका चेक फॉर इलेक्ट्रिक
स्पार्क बाय वेल्डिंग, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क भी चेक किया वेल्डिंग के दौरान, कहीं हमसे आग वगैरह तो नहीं लगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपका जो नीचे है यहाँ पे आपके सिग्नेचर करेंगे टीचर आपके दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा भीड़ा भीड़ा हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका जो है एक ही पेज पे जो है कवर हो जाए, नहीं तो दोस्तों आपका जो है दूसरा पेज भी इधर जो है ख़राब हो जाता। तो दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए कि आपका भी एक ही पेज पर जो है ये पूरा का पूरा हमारा आ जाए, ठीक है। एम भी आ जाए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, प्रोसीजर, और दोस्तों जो भी है आपका एक ही पेज पर आ जाए, ठीक है। सेफ्टी प्रिक्वेशन ये दोस्तों एक पेज पर आएगा आपका, तो दोस्तों आपका दूसरा जो पेज है इधर जो पेज है आपका ये वाला पेज ख़राब होने से बच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया इतना। और दोस्तों थोड़ा सा इसमें और यहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे क्या लिखना है वो देख लीजिए आप दोस्तों। एक मिनट का और काम है यहाँ पे, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे और दोस्तों आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में भी है कि आपको प्रैक्टिकल बना कैसे दिखाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे आप लिख लें जो भी आपने किया, यहाँ पे लिख लें इलेक्ट्रोड जो हमने यूज़ किया, ब्लैक पेन से यूज़ करें, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो हमने यूज़ किया 2.5 डाया का, ठीक है। यहाँ पे लिखे करंट, और यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है मिनिमम करंट कितना था हमारा 50 से 80, और मैक्सिमम करंट कितना था 100 से 200, और जो हमारी सुटेबल करंट कितनी थी वो थी आपका 90 से 120। और दोस्तों इधर आप लिख दें जो मिनिमम करंट पे हमारा क्या था, आर्क जो है नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ लिख देंगे आर्क इज़ नॉट, यहाँ हिंदी में लिख दीजिए आर्क नहीं बन पा रही थी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम करंट यहाँ भी लिख दे आर्क इज़ नॉट फाइन, दोस्तों मैंने हिंदी में लिया और इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ, आर्क इज नॉट फाइन, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए आर्क इज गुड एंड आर्क फोर्स इज वेल, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये आज कंप्लीट हो गया, फर्स्ट डे आपका, डेट ऑफ स्टार्ट और डेट ऑफ क्लोज ये सब लिख के। तो आज क्या कंप्लीट हुआ आपका दोस्तों, सेट्स को बोलते हैं एम, आपका जो एम था आज ख़त्म हो गया, सेटिंग अप द आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड स्ट्राइकिंग ऑन आर्क। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सिंपल सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, ये क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।